बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम, जुम्मा मुबारक आप सबको। और प्लीज़ आज जब दुआ करें और नमाज पढ़ें तो हमें प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्पेशली आजकल आप लोगों की दुआओं की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत है। क्यों एवं दुआ तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें किस्मत भी बदल जाती है, तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करनी है। हम लोग तो हर वक्त आप लोगों के लिए एज ए टीम दुआएं करते रहते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन, और आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसी अहम और इम्पॉर्टेंट बातें हम करेंगे जिनके बारे में, जैसे कि कल जैसे आप जानते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि बदलते मौसम में जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज़ आते हैं उनको कैसे फ़ेस करना चाहिए। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इतनी डिटेल में बात नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक तो अपने कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है उस पर हम बात करेंगे, और एक ऐसी प्रॉब्लम जो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है वो है डेंगू। देखिए व्यूअर्स, कोविड के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस, इतनी ज़्यादा तवज्जो लोगों की हो गई कि पीपल डिडंट बॉदर डेंगू की तैयारी करने के लिए। अभी भी अगर आप देखें तो लोगों के घरों के बाहर जिस तरह जो एसीज हैं उनके नीचे वो एक नालियाँ जैसी रखी होती हैं, उसके अंदर पानी जमा हो रहा होता है, या जनरली ज़मीन पे पानी जमा हुआ है, घरों के अंदर भी अगर पानी डाला है पौधों को तो इतना ज़्यादा डाल दिया कि इतना इतना उसके अंदर पानी का एक पडल रह गया। अब आपको पता है कि डेंगू के मच्छर जो हैं वो पानी के अंदर डेवलप होते हैं। उसके अलावा लोग एहतियात नहीं कर रहे, ना तो फुल स्लीव कपड़े पहन रहे हैं। मैं कुछ 3 दिन पहले अपने बच्चों को पार्क लेके गई तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जो हैं वो जिनको शॉर्ट्स कहते हैं, निकर कहते हैं, निकरों में भाग रहे हैं, और बच्चियां जो हैं उन्होंने फ्रॉक्स पहनी हुई हैं। आजकल बहुत ज़्यादा एहतियात करनी ज़रूरी है, क्योंकि व्यूअर्स डेंगू जो है उसकी वजह से ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में लोग जो हैं वो बीमार पड़े हैं। और मतलब एक तो होता था ना कि डेंगू हुआ, कुछ लोग बीमार हुए, अब तो उस लेवल का है कि जिसको भी डेंगू हो रहा है अल्टीमेटली उसको ड्रिप लग रही है, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और आपको पता है जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनके लिए ज़रा रिकवर करना मुश्किल भी होता है, क्योंकि ना तो वो फिर उस हिसाब से खाते हैं ना पीते हैं जिस तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए। सो आज हम डेंगू से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे, एक तो उससे बचाव कैसे करें, अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, और फिर तीसरा स्टेप, डेंगू के बाद व्यूअर्स लिटरली गिट्टे गोडों में दर्द हो रही होती है, जिसको हुआ है वो तो जानता ही है कि मतलब आज भी लोग मुझे, जिनको कुछ पिछले साल या उससे पिछले साल हुआ था डेंगू, वो यही कहते हैं कि जोड़ों में और हड्डियों में और जिस्म में हफ्तों, कभी कभी महीनों दर्द होती रहती है। ऐसी ये बीमारी है कि आपको लिटरली अंदर से हिला के जाती है। सो प्रिवेंशन, अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, और उसके बाद आफ्टर केयर क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। बदलते मौसम में हमारी न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए, हमारी खुराक क्या होनी चाहिए, कि अगर जुकाम खांसी या कोई इस किस्म का इशू हो तो हमें क्या करना चाहिए, आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स म्यूज़िक भी होगा, कुछ हल्ला गुल्ला भी होगा, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी कुछ इनकम्प्लीट सी है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी अपने कपड़ों की, अपनी वार्डरोब की। आप लोग बड़े दिनों से कह रहे हैं कि जो पहनती हैं कपड़े कुछ उनके बारे में बताया तो करें, तो मैं आज हेम स्टिच का मैंने आउटफिट पहना है, और ख़ुसूसी तौर पर मौसम सरमा के लिए हेम स्टिच ने अपनी जो एक बहुत ही पहली खूबसूरत कलेक्शन तैयार की है पहनावा के नाम से, ये ऑनलाइन दस्तयाब है। अगर आप कमीज़ देखें तो बहुत ही खूबसूरत रंग, बहुत ही प्यारा इसके ऊपर काम, फिनिश भी बहुत ही अच्छी। मतलब कढ़ाई की बात करें तो मतलब आई विश के आप लोग करीब से आके देख सकते। देखिए कपड़े तो बहुत से लोग बनाते हैं, बट ये जिस किस्म की इनकी फिनिश है और जिस खूबसूरती से इन्होंने तैयार की है, चिकनकारी भी इन्होंने ऐड की है अपने डिज़ाइंस के अंदर, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और वैसे भी चिकनकारी तो मेरी फेवरेट है। ट्राउज़र्स की बात करें तो हर आउटफिट के साथ मैचिंग ट्राउज़र्स हैं। अक्सर आजकल मैं देख रही हूँ कि 2 पीस लोगों ने निकालने शुरू कर दिए हैं, विच इज़ फाइन, बट जब इस किस्म का खूबसूरत आउटफिट लेते हैं तो हर चीज़ जब मैच करे तो मज़ा आ जाता है। दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टे भी इनके बहुत ही खूबसूरत हैं, डिजिटल प्रिंट वाले बनारसी सिल्क ऑर्गेन्जा के दुपट्टे। अब ये बड़ा ही प्यारा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, बल्कि हम दुपट्टे की तारीफ़ कर रहे थे प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि मतलब इट्स सच अ लवली दुपट्टा। और आप अगर इस दुपट्टे को इस सूट के अलावा भी पहनना चाहें, जिस तरह अगर आप किसी एक प्लेन कलर की शलवार कमीज़ के साथ इस दुपट्टे को कैरी करना चाहें तो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो आपने अगर फॉलो करना है हेम स्टिच को तो आप हेम स्टिच ऑफिशियल पे जाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है, प्लीज़ मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी कि जाके इनके डिज़ाइंस चेकआउट करें, दे एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। www.hemstitch.pk
सो www.hemstitch.pk पे जाएं और आप अपना ऑर्डर फॉरन प्लेस कर सकते हैं। तो घर बैठे आपको खूबसूरत जो है आपका आउटफिट मिल जाएगा। एंड जेन्यूनली व्यूअर्स, गर्मियों के कपड़ों के जो सर्दियों के कपड़ों की एक इशू होता है वो ये होता है कि कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होते या उनकी फॉल इतनी अच्छी नहीं होती, अकड़े हुए होते हैं। सच अ ब्यूटिफुल आउटफिट, ब्यूटिफुल फॉल, कंफर्टेबल। मैं आपको ज़रूर कहूँगी एक दफ़ा ऑनलाइन जाके चेकआउट करें। आप जब जाएंगे देखने के लिए तो गारंटी देती हूँ कि आप ऑर्डर भी करेंगे। सो डेफिनेटली चेकआउट हेम स्टिच का पहनावा कलेक्शन ऑनलाइन। यहाँ पे व्यूअर्स, अब मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक की तरफ जाने से पहले अपनी प्यारी सी जो मेरी दोस्त हैं, छोटी मेरी बहन हैं, खुद भी रेनाउन फेम की सहर चावला जो हैं वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा एब्सोल्युटली ब्रिलियंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशन हैं, लाइफस्टाइल कोच कहें तो ये बात गलत नहीं होगी, और अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त हमेशा निकालती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा को अपने प्रोग्राम में। एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जुगन? कैसी हैं आप? मैं भी इतनी छोटी नहीं हूँ, हमारी बराबर ही उम्र होगी, तो छोटी बहन नहीं, बाकी छोटी सी लगती हो। और जब आप हमारे साथ आ गई हैं तो जब व्हेन योर राइट हैंड इज हियर तो फिर लेफ्ट हैंड की भी जरूरत पड़ जाती है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल तो मैंने ऑन एयर डिमांड कर दी थी ना कि भैया आपने आना है, डेंगू के बारे में आपने गाइड कर। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ और ये मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, इन्होंने जो होम मेड जो है जो हर्बल उसको हम क्या कहते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट बनाया है, इट इज़ अमेजिंग। मैं अपने बच्चों के ऊपर यूज़ कर रही हूँ, खुद भी यूज़ कर रही हूँ, ना तो वो दिमाग को चढ़ने वाली स्मेल है, ना ही वो वाले मसाइल हैं, और जेन्युइनली मच्छर करीब नहीं आते घंटों के लिए। क्या बात है, खुदारा अपनी लाइन लॉन्च कर लें कर लें, मैं बस हजार करोड़ दफा आपको कह चुकी हूँ। और उसके साथ साथ एक बहुत ही धमाकेदार पर्सनैलिटी के साथ हम अपनी री एंट्री करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे मुल्क के बहुत बहुत बड़े स्टार के बेटे हैं और आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो कुछ इस फुफो के साथ ही की। सो अब जब वो आएंगे ब्रेक के बाद तो आपको पता चलेगा, आते हैं तो मूड ही चेंज कर जाते हैं कौन है, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। चले आओ
एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू, बट बहुत ही डिफरेंट। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? दुबई हादा दुबई। जुमा मुबारक। ये तो मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही हूं। यूजुअली जब आप आते हैं तो कुछ और ही किस्म का म्यूजिक होता है। आज बेसिकली आपको पता है कि माहौल कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है क्योंकि फैसल साहब आए हैं, तो उनको देख के तो आपको ये गाना याद आ गया। जी अच्छा। उनकी जो मूछें हैं ना वो बड़ी टोटल डिफरेंट हैं। अच्छा तो चुप करके बैठो, अब ये जुगते शुरू कर दे। अब जुगते शुरू कर दे, मैं कुछ नॉर कर लूं। अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स शेरी खान भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बड़ी दाद दी साथ साथ। हां, वो मेरा फेवरेट गाना है, बहुत अच्छे। थैंक यू शेरी भाई, थैंक यू, वेरी नाइस। शेरी, आप भी इस तरह के स्लो स्लो गाने हमें सुनाएंगे? हम तो जागने के मूड में थे, इन्होंने हमें मजीद हमें रेस्ट करा दिया। आज हम धीमे धीमे रहेंगे, आज हम स्लो स्लो जरा स्लो स्लो रहेंगे। वैसे वीकेंड का स्टार्ट स्लो स्लो हो, फिर स्पीड पकड़े तो ज्यादा मजा आता है। प्री वीकेंड रहा है। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट डेंगू। यस, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आई थिंक डिस्कशन करनी बनती है। लोग हम, मैं जिससे की बात कर रही थी, आपने डॉक्टर साहिबा सुना है कि मतलब हर कोई कोविड से इतना ऑब्सेस हो गया था कि फ्लू, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, इन चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर कर गए। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, पहले भी एक बार बात की थी कि ठीक है, ऑफ़ कोर्स प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त वबा की तरह डेंगू फैला हुआ है, तो इस बात के चांसेस हैं कि हो सकता है प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के बगैर भी, के साथ भी आपको ये हो जाए। आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है, अगर आप इंशाल्लाह अल्लाह करे आप डेंगू से इन्फेक्टेड ना हो, कि आपने अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि डेंगू अगर क्रिटिकल फेज में प्रोग्रेस कर जाता है ना जुगन, तो जो ब्लड वॉल्यूम है, क्योंकि जब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, ब्लड सेल है ना, ब्लड वॉल्यूम अगर आपका ड्रास्टिकली कम होता है और आप उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाते, अगर आप शॉक की तरफ चले जाते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी ब्लड वॉल्यूम कम जाता है, तो आपके रिहेबिलिटेट करने के, सर्वाइव करने के चांसेस कम है। हाइड्रेटेड रहिए। इतनी पेन क्यों होती है, कुछ समझ नहीं आती, व्हाट इज दिस? मतलब पिछले दिनों हमारे घर में बच्ची है, वो वन ऑफ द गर्ल्स वर्क्स, को डेंगू हुआ और बाकायदा घर बुला के उसको मतलब ड्रिप्स लगवाई, सारा कुछ किया, बट इमेंस पेन। मतलब वो कहती थी कि आप में मेरी जान निकल रही है। मैं कहती थी बच्चे मैं क्या, कभी मैं उसको ORS पिलाऊं, पानी, ये अच्छा, ऊपर से वॉमिटिंग। वही आपको बात कर रही हूँ ना कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, और इमेंस पेन की रीज़न ये है कि ये एक हाइपर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। बॉडी में हमारी में इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल मार्कर्स होते हैं उनका एक बैलेंस होता है, ये उसमें इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, इसी वजह से आपको मायल्जिया भी होता है, मसल में भी पेन होती है, जॉइंट पेन भी होती है, आर्थ्रेलजिया भी होता है। ये वो डिजीज़ है जिसमें मायल्जिया और आर्थ्रेलजिया कंबाइन कर जाते हैं, तो जुगन बॉडी को बहुत पेन होती है, यानी हड्डियों में भी दर्द हो रहा है, आपके मसल्स में भी दर्द हो रहा है, और ये जो आर्थ्रेलजिया और मायल्जिया है ये इसके फेज टू में ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आप देखें कि सिचुएशन क्या है, कहते हैं कि बाहर जाना थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर जा रहे तो एक सर्टन तरीके से जाएं। कोविड की वजह से हर चीज आउटडोर कर दी है। अब आउटडोर जो बंदा जा रहा है वो एक्सपोज हो रहा है डेंगू से, तो मुझे पता है हम कहां जाएं? ना हम अंदर जोगे हैं ना हम बाहर जोगे। आई मीन जेन्युइनली पता नहीं क्या हो रहा है जिसकी वजह से एक के बाद दूसरी ऐसी चीज। मैं यही कह रही थी उस दिन कि पहले का बाहर निकलो, इनक्लोज स्पेसेस में नहीं रहना कोविड की वजह से। अब जो कोविड वार्ड है वो डेंगू पेशेंट्स से भरे हैं, किससे बचे? जो हमारे हॉस्पिटल में हम आज यही बात कर रहे थे कि जो कोविड वार्ड्स हैं वो अब डेंगू के पेशेंट से भरना शुरू हो गए हैं। जो हालात है वो इस हद तक जो है परेशानी के हैं। और एक और बात, अगर आप खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं, अपना वाइटामिन सी, वाइटामिन के, वाइटामिन डी, आगे इस पर बात करेंगे, इसका इंटेक बहुत अच्छा रखते हैं, तो अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो आपकी जो लेंथ इन्फेक्शन की है और जो ड्यूरेशन इन्फेक्शन की है वो कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए अपनी न्यूट्रिशनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सही, क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि ये थोड़ा सा लेट आया डेंगू ना, ऐसे ये जुलाई अगस्त तक होता है, ये वाला सीज़न इसके मरने का सीज़न था, तो थोड़ा सा हुकूमती लेवल पे भी वो हो गया कि चलो वो वाला सीज़न गुजर गया, रिलैक्स हो गए। दूसरी बात ये हुई कि ये अचानक ही बहुत बढ़ गया। अब हॉस्पिटल्स में कंडीशन ये है कि एक्सपो सेंटर को भी डेंगू वार्ड बना दिया गया है, ठीक है, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे डेंगू पेशेंट से भरे हुए हैं। आप कह रहे थे कि बोन्स में दर्द क्यों होता है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं डेंगू को। WHO ने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है, एक डेंगू, एक सीवियर डेंगू। डेंगू जो सा है वो आम लोगों पर हल्का फुल्का होकर ख़त्म हो जाता है, सीवियर डेंगू जो सा है वो जो डॉक्टर सहर चावला सिम्टम्स बता रही हैं कि हेमरेज हो सकता है,
कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो इसको हेमरेजिक डेंगी हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस भी बताएंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि जूसेस के इस्तेमाल का कहते हैं कि ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन जूस अगर घर पे फ्रेश निकाले तो वो बेहतर होगा, क्योंकि टाइफाइड की भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिकदार बढ़ी हुई है। समझ नहीं आ रही वैसे क्या हो गया, हम जब छोटे थे तो इस किस्म की चीज़ें नहीं होती थी, हमारे बच्चे अब पैदा हुए हैं तो इतने मसाइल हैं कि खौफ आता है। खैर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे तो अहमद नमाज वैसे ही सबको खौफ आता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जुमा मुबारक। ऐसी हमारी वो जो कहते हैं ना कि प्यारी प्यारी गुफ्तगू होती है ब्रेक के दौरान भी, कि व्यूअर्स आई विश कि हम वो आपके साथ शेयर कर सकते, लेकिन खैर द मोमेंट इज़ गॉन, मे बी नेक्स्ट ब्रेक की बात हम आपके साथ शेयर करें। राइट फैसल भाई? हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, हम अपने हंसी मजाक को लेके चलते रहते हैं। अहमद नवाज ने भी एक कमिटमेंट किया हमारे शो से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो अगले हफ्ते का टॉपिक अगले हफ्ते के टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा भैया, ये बताइए कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डेंगी और डेंगी हेमरेजिक फीवर को हमने टच किया, लेकिन ऑब्वियसली ब्रेक में जाना था। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि WHO ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब वो वाले पेशेंट्स जो उनसे हैं जो हेमरेजिक साइट पे जा रहे हैं या जो सीरियस कंडीशन में जा रहे हैं, उनको तो फौरी तौर पे बग़ैर टाइम ज़ाया किए हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, कि इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, आपको ही पता है, सबको पता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो सिम्टम्स होंगे उसके हिसाब से मेडिसिन दे दी जाएगी। दूसरी एहतियात जो घर में रहते हुए करनी है कि सिवाय पैरासीटामोल के, जिसका ब्रांड नेम मैं नहीं लेता, उसके अलावा आपने कोई बुखार कम करने की दवाई नहीं देनी। एक्चुअली मैं नाम इसलिए ले लूँगी क्योंकि देखें ये एक बहुत ही इस वक्त जो पैंडेमिक के लेवल पे कह देते हैं पैनाडोल जो आप लेते हैं, और बाय द वे नॉर्मल पैनाडोल लेनी है, पैनाडोल एक्स्ट्रा भी नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ब्लड थिनिंग सैलिसाइलेट्स होते हैं। दूसरा ये सिंपल पैनाडोल ब्लड थिनिंग की बात हो रही है, तो एस्पिरिन वगैरह इसलिए नहीं ली जाती हैं ताकि वो ब्लड को मजीद थिन करती है, और हेमरेज जो है खुदा न खास्ता जिसको हम डिस्प्रिन वगैरह कहते हैं ना व्यूअर्स, स्पेशली और जिन लोगों को प्रॉब्लम है क्लॉटिंग की और हार्ट पेशेंट्स वगैरह को, उनको फौरन हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए फौरन। तो जैसे ब्रूफेन और ये डिस्प्रिन ग्रुप है, इसको तो इस तरह के बुखार में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी एहतियात ये करनी चाहिए कि आपने थोड़े थोड़े वक्फे से अपने आप को जूसेस पे रखना है, लिक्विड्स पे रखना है, हल्की डाइट पे रखना है, कोई भारी डाइट इस्तेमाल नहीं करनी, कोई ऐसी डाइट इस्तेमाल, क्योंकि इसमें फिर नौजिया भी स्टार्ट हो जाता है। दूध बाय द वे मैंने 2-3 पेशेंट्स में ये खुद ऑब्जर्व किया, अब ऑब्वियसली मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं हूँ बट अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूँगी कि 2-4 लोग ऐसे हैं और हमारी मेरी नीस और नेफ्यू को भी हुआ डेंगी, तो वो जब भी वो उनकी ना अम्मी डेली उनको दही खिला रही थी योगर्ट, अच्छा उनको वॉमिटिंग हो जाए, मैंने कहा कि 2-3 दिन दही अगर अवॉइड करके देखो, दूध की कोई भी चीज़ अगर अवॉइड करके देखो, जिस दिन दूध नहीं दिया उस दिन वॉमिटिंग नहीं हुई, यानी कि कुछ चीज़ें आपके पेट को ज़्यादा ट्रिगर कर जाती बिल्कुल कर जाती हैं, और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करती हैं कुछ चीज़ें। और जुगन मैं ना थोड़ा सा सॉरी डॉक्टर साहब, मैं ये बात करना चाहूँगी दूध से रिलेटेड कि अगर किसी को दूध सूट कर रहा है तो वो गोट मिल्क ज़रूर ले, अगर उसको गोट मिल्क की स्मेल बर्दाश्त हो जाती है तो वो बॉडी में जो अभी मैं और डॉक्टर फैसल साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कम करने में बहुत हेल्प करता है, विटामिन K2 उसमें होता है, प्लेटलेट की जो एक्टिविटी कम हो रही होती है ना विटामिन K2 भी ब्लड क्लॉटिंग में जाके हेल्प करता है, तो आपके पास ब्लड थिनिंग के इफेक्ट को कम करता है अगर किसी को सूट कर रहा है तो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स, बल्कि हम जा रहे हैं प्रिवेंटिव चीज़ों की तरफ, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कोते मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं गाइस, कि कोविड हो डेंगी हो जो भी ऐसी कोई चीज़ खुद एक तो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी को भी हो, लेकिन अगर कोई भी बीमारी आपको हिट करे वो क्या चीज़ें हैं जो हमें खुराक में ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अगर अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे कोई भी चीज़ अटैक करेगी, 4 या 5 न्यूट्रिएंट्स का आपने ख्याल रखना है, और अब वो किन किन चीज़ों में मुख्तसर तरीके से मैं बता सकती हूँ, मतलब आजकल क्या खाएं हम, विटामिन सी वो चीज़ जिसमें B9 है फोलेट है, जिसमें B12 है सेनाकोबेलमिन है, और जिसमें B6 है पैराडॉक्सिन है, अगर आप ये खाने लेते हैं जिनमें ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी डेंगी से रिलेटेड भी तेज़ कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके पास आ गए, इसमें फोलेट भी है इसमें B12 भी, अब होता क्या है कि प्लेटलेट काउंट हमारे पास कम हो रहा होता है
जो फोलेट है ना B9 और जो B12 है, ये रेड ब्लड सेल की भी प्रोडक्शन उसके DNA को डिवाइड करने में हेल्प करता है, तो प्लेटलेट की भी प्रोडक्शन ये आपके पास इंक्रीज करता है। जितनी हरी सब्जियां हैं, अगर आप सेलरी जूस, एस्पैरगस जूस, केल जूस, पालक, जो भी सब्जियां हैं, बेशक इनके आप जूस निकाल के लिए, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, आपको फोलेट भी मिलेगा, लीन मीट्स आपके पास, ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने बहुत ज़्यादा फैटी मीट नहीं लेना क्योंकि वो स्टमक पर डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने में। अगर आप अच्छे चिकन कट्स और फिश, फैटी फिश मगर आप इस्तेमाल करें, तो उसमें आपके पास B6 और B12 होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, आपके ब्लड वॉल्यूम को भी ये हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को तैयार करेगा कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रही है, आप खुद को उससे प्रोटेक्ट कर सके। अगर आंवला फ्रूट तक आपकी रसाई है, तो आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला AMLA, काले आंवला, वो जो हमारे शैम्पू के एड में भी आता। अच्छा, था बचपन में। आमला अगर ताज़ा नहीं भी मिलता तो उसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं। मुरब्बा मिलता है, उसको धोएं और खा लें, जिन लोगों को चीनी से अवॉइड करना है उसको धो लें और खा लें। दूसरी चीज़ का जो सूखा हुआ काले रंग का हो जाता है वो आमला मिलता है, उसको घर में लाएं, पीसें, आमला पाउडर बना के रखें और उसको आप शहद के साथ मिक्स करके खाएं। अच्छा, आप लोगों ने जनरल ओवरव्यू दिया है, मैं मुझे अब नाम ले लेके बताएं कि क्या क्या चीज़ खानी है प्लीज़, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है ना, जब हम कहते हैं कि ये चीज़ें हों तो उनको रिसर्च करनी। बेसिकली ना जुगन जी वो बताना ये चाह रही कि आप शवारमा खा लें, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, चरगा और ये थोड़ी थोड़ी सी जो है ना पालक डाल लें। अगर किसी ने ये सीरियसली ले लिया, नोटिस किया कि मैंने इसीलिए इसको साइड पे बिठाया ताकि मैं इधर देखूं ही ना, मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ये लड़का ठीक नहीं है। शेरी, आई लव यू, थैंक यू सो मच, बट आई कांट डू एनीथिंग। वो इधर से होके गलत बंदे के साथ बैठ गए हो, मसला ये है। वो सीरियस बात भी करने दिया कर, बंदा बान अहमद नवाज ना बान। हाँ। अनार आए हैं जुगन आजकल, अनार लें, अनार में आपके पास फोलेट भी है। जैसे जिन लोगों के बालों की जड़ें जो कमजोर हो रही होती है, आई एम श्योर फैसल भाई भी करते होंगे, उनको पोमीग्रेनेट ऑयल कहते होंगे, क्योंकि उसमें आपके पास फोलिक एसिड होता है। आप अनार लें, आप पम्पकिन लें, कद्दू का सूप बनाएं। अगर आपको कद्दू का सूप बनाने का अच्छा तरीका आता हो ना, तो किसी रेस्टोरेंट के थाई सूप जैसा लगता है, वो भी आपके प्लेटलेट काउंट जो है उसको ऊपर ले जाने में मदद करता है। अमरूद खाएं, हमारे पास सिट्रस फ्रूट ज्यादा मशहूर है और अभी आए भी नहीं है मौसम में विटामिन सी के लिए। अमरूद में सिट्रस फ्रूट्स, ये कीनू वगैरह, माल्टा, इससे भी ज्यादा आपके पास जो है विटामिन सी मौजूद होता है। और इसके साथ जितनी हरी सब्जियां हैं, तफरीक किए बगैर सारी हरी सब्जियां खाएं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा पानी में ना पकाएं, क्योंकि उनमें जितने विटामिन्स हैं जिन्होंने आपको फायदा पहुंचाने, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में जज्ब होकर निकल जाएंगे। उनको हल्का सा स्टीम करें, सौते करें, या कुछ सब्जियों को, ब्रोकली वगैरह को अगर आप रॉ भी खा लेते हैं, बहुत अच्छा है। अंडे दो रोज खाएं जर्दी के साथ, ताकि आपको विटामिन डी मिले। यू सी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग करेंगे व्यूअर्स, ये वही वाली बात है कि अगर आपकी घर की फाउंडेशन नींव मजबूत है, अगर जलजला भी आएगा तो आपका घर नहीं गिरेगा। अपनी फाउंडेशन को, आपकी फाउंडेशन है आपकी इनसाइट्स, उनको स्ट्रॉन्ग करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेरी आपसे कुछ सुनते सुनते आएंगे, बातें तो बहुत सी हो रही हैं, और उसके बाद फैसल भाई आपने हमें गाइड करना है कि हम क्या क्या, क्या खा सकते हैं, बना सकते हैं, द वेरियस डिफरेंट टोटकास। ब्रेक के बाद सकोगे मुझे तुम नजर से, गिरा तो रहे मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे।
जाने मुझे क्यों यकीन हो रहा है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से चैन हो के दिल थाम लोगे तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा किसी बताना भी चाहो बताना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे क्या बात है एब्सोल्युटली वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड ये हम डेडिकेट करते हैं नईमुल हसन को yes, और ये निम्मू ही जानते हैं कि हम क्यों इनको ये डेडिकेट कर रहे हैं oh my God. डॉक्टर साहब बस कर दे फोन से खेलना आ जाए जरा कोई को काम का काम भी करते हैं हम दोनों भाई बहन वेल डन बैट ऑन द बैक बनता है मेरा बच्चा सोना सफ यू एस्किलेंट इस खुशी के मौके पे हम ओह माय गॉड आपको गोभी का फूल इस तरह करके हम ये ओह थैंक यू सो मच मेरे लिए वैसे मैच आपके साथ ये कह रहे हैं मेरे लिए ये भी गुलाब है क्योंकि सारा ना सीरियस ही है ना तो मैं इसको मजाक इससे ज्यादा करते हुए घबराती हूं एलिफेंट ईयर की वजह से तो नहीं मैं एलिफेंट ईयर की वजह से ऐसे ऐसे करके ना ये ओ आइडिया आया मुझे मेरी तो ये ख्वाहिश दुनिया में ही पूरी होगी अगर इसके साथ करेंगे तो ये ऐसे करेंगे ट्रल करके अच्छा चलो अच्छा मजाक मजूक हो गया अब जरा कोई काम के काम की तरफ आए ये ख्वाहिश दुनिया में मठे नहीं नहीं ये मौसमी है जो अभी नई नई आई ये बीमार सी मौसमी लग रही है अभी सीजन की पूरी नहीं आई ना लेकिन अच्छी वाली आ गई जूस निकल आता है इसका अच्छा आप जो हर चीज का जूस निकालने के आज मूड में आए हैं ना हम इस पे व्यूअर्स ब्रेक के बाद बात करेंगे मैं जरा भैया को ठीक करती हूँ आप ब्रेक के बाद वापस आए क्या करना है घर में जितना भी गुस्सा चढ़ा हुआ हो जूस निकालने से पहले फल पे निकाल दीजिए ताकि कोई गैर सारा जो जहन में सोचा होता है ना अच्छा ये बोलना है वो बोलना है वो जाया हो चुका होता है जितना मैं वैसे आपको तंग करती हूँ काम ही कोई करता होगा अच्छा जी ये सर मैं आपके लिए आज फूल लेके आई बहुत शुक्रिया इसी से बात शुरू कर देते नहीं इसी तरह बात शुरू करनी वो आपने इसमें डाला था जूस डाला था हमने मौसमी का क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब भी बात करी थी कि हमें विटामिन सी वगैरह चाहिए ज़्यादा तो इसमें हमने मौसमी का जूस लेना ये कम्बिनेशन ऑफ जूस बता रहा हूँ आपको ठीक है आप अलग अलग भी पी सकते हैं लेकिन इसका कम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सेब का जूस भाई ये तो बड़ी ऑटोमेटिक सी मशीन है और थोड़ा सा ये अनार का जूस ठीक है अच्छा जी सूखा ही रही सारी जिंदगी ही स्टार्टेड इट मुझे क्यों गंदी घुरियां मार रहे हैं आप
नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जूस तैयार हो गया आपका। ये क्या क्या है इसमें? मौसमी, सेब और अनार। अनार, ठीक है। अच्छा, इसकी सर्विंग इससे ज्यादा नहीं लेनी। क्यों? एट अ टाइम जो उनसे कोशिश कीजिए कि थोड़ा पोर्शन लें और बार बार लें। ओके। एक ही दफा आप ज्यादा लेंगे तो जैसे अभी बात हुई थी कि नौजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो उससे आप महफूज रहेंगे, बच जाएंगे। दूसरी बात ये कि कुछ शुगर पेशेंट्स भी हैं या कुछ लोग हैं जिनको शुगर मना होती है, तो वो तो इतने जूसेस नहीं ले सकते, वो फिर क्या करें? उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो सौंफ, पुदीना और इसका पानी बना कर रखें, और इसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें आखिर में जब ये ठंडा हो जाए, और उसका पानी पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो उनको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, ये नौजिया मतली पेट ख़राब होने की जो कैफियत है वो भी नहीं होगी, तो इसका बेहतरीन ऑल्टरनेट जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए वो हो जाए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हम घास फूस लेके आए हैं वैसे? हाँ, ये घास फूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, ये जो है हमारा पपीते का पत्ता। अच्छा, एक बात आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इलाज नहीं है, ठीक है, डेंगू का इलाज कोई भी नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिव है। ये जो पत्ता, एक पत्ता एक वक्त में इस्तेमाल होता है, और इसका तरीका ये होता है कि यहाँ से इसको अच्छी तरह से धो के, बहुत अच्छी तरह धो के, ये डंठल काट देते हैं, ठीक है, और ये जो पत्ते का हिस्सा है इसको किसी भी चीज़ में कुचल लीजिए, ठीक है। कुचलने के बाद निचोड़ लें, जो पानी निकलेगा एक टेबल स्पून, डेढ़ टेबल स्पून जो भी निकलेगा, वो आपने एक वक्त में पीना है। अच्छा, ये आप ये भी कर सकते हैं, जो जूसर होता है ना उसके अंदर अगर आप इसको डाल दें, उसमें भी डाल सकते, उसमें भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। और अगर इसकी कड़वाहट को थोड़ा कम करना हो तो फिर? तो फिर आप इसमें कोई सा भी, जैसे थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐड कर लीजिए शहद, अदरवाइज इसको खाली पीना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी एक चीज़, जो लोग इसको खा सकते हैं, इसको मंच कर सकते हैं, वो इसका ये एक हिस्सा लें और बैठ के इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चबाते रहें, खा लें, थोड़ा सा तोड़ें खा लें, तोड़ें खा लें, आप खा के दिखाएं ना। अभी गंदा है वरना मैं आपको ट्राई करके जी, कल जिस तरह आपने मेरे साथ किया था, कहते ये फ्लाम लठी, ये फ्लां चीज, मैंने पकड़ के मुंह में, कहते इतनी सी चूस ले तो आपका जो गला है वो बिल्कुल सेट होगा। मैं वो बंदा गला क्या, मेरी तो रूह साफ हो गई उसको इस्तेमाल करने के बाद। एक्चुअली ये हर्बल चीजें जो है वो यकीनन ऐसी होंगी, उसको हम टेस्ट को कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है बहुत फायदेमंद है, पपीते का पत्ता भी और पपीता इट्सेल्फ भी। वाई मूली? अच्छा, मूली जो उनसी है, डॉक्टर साहब अभी इससे एग्री करेंगे कि इस सीजन में अल्लाह ताला ने मूली दी है, तो मूली जो उनसी है फुल ऑफ पोटेशियम है, इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, और सर्दियों में इसका खाना इसलिए बहुत अच्छा है कि ये फ्लू के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जिन लोगों को फ्लू, कफ, इस तरह के मामलात होते हैं, वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और इसको जिनको खांसी है वो इसका थोड़ा सा पीस तोड़ें, इसको तवे पे हल्का सा गर्म करें और फिर खा लें, ओके, तो उससे इसकी इफादियत बढ़ जाएगी, कफ के हवाले से बात कर। और इसी तरह से जो अमरूद है वो भी इसी तरह से गर्म करके तवे पे खाया जाए तो वो कफ को फौरी तौर पे ठीक करता है और बलगम को पिघला के बाहर निकालता है। सही। अब क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा हमें छोड़ने के मूड में है, तो अगर आप एंड में क्या हमें गाइड करना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं ये बात उन सब लोगों को कहना चाहती हूँ जो इस वक्त सिम्टोमेटिक हैं डेंगू को लेके, और वैसे भी सर्दियों में आपके पास हड्डियों का, जिन लोगों को ऑलरेडी आर्थराइटिस होता है, दर्द जो है वो ट्रिगर हो जाता है, प्लीज़ मटन और मुर्गी की हड्डियों की यखनी लें और उसको ढक्कन बंद करके लें। जब आप ढक्कन बंद करके यखनी पकाते हैं, अंदर जो मॉइस्चर, जो स्टीम ट्रैप होती है ना, वो हड्डियों के कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ के एक क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है, जिसको ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में जुगन जाके क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके मैग्नेट की तरह कोलेजन, जो डैमेज कोलेजन होता है हड्डियों का, उसको ढूंढते हैं, उसको जाके रिपेयर भी करते हैं और नया भी बनाते हैं। तो अगर आप हड्डियों की यखनी लेंगे, आपके सिम्टम्स भी कम होंगे हड्डियों की पेन के, और जिन लोगों को सर्दियों में आर्थराइटिस का दर्द जोर पकड़ता है, उन्होंने दिन में रोज 2 से 3 कप लेने हैं। ओके, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको डेंगू हो गया या कोविड हो गया और उसके बाद आप रिकवर कर चुके हैं, वो जो कहते हैं ना कि वो वाला जो मेन टाइम निकल गया, लेकिन उसके बाद कैसी खुराक लेनी चाहिए? जैसे मैंने कहा ना कि वीक्स, मंथ्स होते हैं जब आपकी तबीयत सेट नहीं होती। ऐसे लोग हैं जिनको कोविड 3 महीने पहले हुआ था, अभी भी कहते हैं कि भाई बहुत
बहुत ज्यादा थकन होती है, उठना बैठना। 3 महीने तो कुछ नहीं है जोगन, 6 महीने से 1 साल तक आराम से पोस्ट कोविड सिम्टम्स और पोस्ट कोविड हेयर फॉल जो एक बड़ा मेजर चीज सामने आ रही है। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी, वैसे तो मैं सप्लीमेंट्स के बजाय इस्तेमाल के हक में बहुत ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन क्योंकि डेंगू और कोविड के बाद भी जो क्रॉनिक फटीग है, मसल वीकनेस है, उसकी बहुत ज्यादा कंप्लेन रहती है, तो थोड़ा से के लिए अगर आप जिंक सप्लीमेंट्स जो है 10 मिलीग्राम डेली और अपना जो है CBC करवा लें, अगर आपका ब्लड हीमोग्लोबिन लो आया है और B6 और B9 सप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बूढ़े हैं या जिन लोगों को अभी तक खांसी और बुखार महीने में 1-2 बार छेड़ रहा है, वो विटामिन सी 1000 मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट 5-6 मील्स पर डे, तो उनकी रिकवरी में हेल्प हो जाएगी। डेफिनेटली। ओके सो व्यूअर्स, ये वो चीज़ें हैं जो आप पोस्ट रिकवरी भी कर सकते हैं। अभी हमने और टिप्स आपसे भी लेनी है, और व्यूअर्स अगर आपके भी कभी कोई सवाल हुआ करें या कोई क्वेरीज हुआ करें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके हमारे साथ शेयर किया करें ताकि हम उनको कवर कर सकें। अब हम जब ब्रेक की तरफ जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे तो कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला, एंड ऑफ कोर्स ये भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो हमारे मीडिया के लोग होते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सही तरीके से रिप्रेजेंट करें। होता यह है कि जब हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल आम तरीके से घूम फिर रहे होते हैं, वो कोई एहतियात नहीं बरत रहे होते या वो केयरफुल नहीं होते, फिर आवाम कहती है कि भाई वो कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं है ना, तो हम भी फिर इस तरह कर लेते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जिससे हमारे जो यंग स्टार्स हैं वो चीज़ें करें ताकि लोग जो हैं वो राइट डायरेक्शन में इनकरेज हों, मोटिवेट हों, ये बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। बताना सकोगे मुझे तुम जान भी दे दो, तू कहे ओ जाने जाना, जान भी दे दो, तू कहे ओ जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी,
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. और ये जो आप बहुत ही खूबसूरत चैंग होंग रूबा की स्क्रीन देख रहे हैं, मैंने इससे रिलेटेड आपसे बात करनी है, क्योंकि चैंग होंग रूबा का ये जो बहुत ही खूबसूरत LED है, ये गोल्डन कलर का जो इसका एक टेबल स्टैंड है, इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. उसके अलावा जो इसकी गोल्डन साउंड बार है, एक एलिगेंस ऐड करती है, और इतना सटल गोल्डन कलर है कि आपके घर में सिल्वर थीम हो या गोल्ड थीम हो, दोनों के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैच करता है. एंड अदरवाइज ऑल्सो एक बहुत ही स्लिम और स्लीक डिज़ाइन है, हर इंसान के मतलब कहते हैं मिजाज के मुताबिक एब्सोल्युटली परफेक्ट. आप वॉल पर लगा लें या आप टेबल के ऊपर स्टैंड पर रख लें, आइदर वे फुल HD पिक्चर क्वालिटी है. टेक्नोलॉजी इतनी ब्रिलियंट है कि जिसको हम कहते हैं डॉल्बी साउंड टेक्नोलॉजी, आपको बहुत ही शार्प और क्लियर साउंड मिलता है. पिक्चर क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं व्यूअर स्क्रीन के ऊपर, इतनी खूबसूरत. आई विश कि आप यहाँ पे होते तो आपका दिल चाहता कि आप जाके स्क्रीन को, ये जो फूल अभी नज़र आ रहा है उसको जाके हाथ लगाते. इट इज़ एक्चुअली सो ब्यूटिफुल एंड इतना रियल लगता है कि लगता है कि एक्चुअली आपके कमरे में वो सारा कुछ हो रहा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. गूगल प्ले स्टोर पे 4000 प्लस एप्लीकेशन सर्टिफाइड हैं गूगल प्ले से, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. नेटफ्लिक्स जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है. गूगल असिस्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं. वाईफाई की कनेक्शन है, वॉइस कमांड रिमोट है, यानी कि आप बोल के भी अपनी जो कमांड्स हैं वो दे सकते हैं. यू डोंट हैव टू एक्चुअली टच द रिमोट. ब्लूटूथ 501, यानी कि आप हर किस्म की अपनी जो डिवाइसेस हैं इसे कनेक्ट कर सकते हैं. YouTube भी बिल्ट इन है, क्रोमकास्ट भी बिल्ट इन है. सो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. ज़रूर आपने चैंग होंग रूबा के LED को जाके परचेस करना है. अगर परचेस नहीं कर सकते अभी तो जाके इसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा. इट इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग LED. और ये जो हमारी स्क्रीन है ये 58 इंचेस की स्क्रीन है. चले अब चलते हैं वापस टूवर्ड्स आर ऑसम गेस्ट. अच्छा, एक बात जिसके बारे में लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं जब आप लोग आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज उसको हम पूछ ही लें आपसे. शेरी, आपसे बात शुरू करूंगी. आजकल क्या मसरूफियात है? न्यू सॉन्ग्स कब आ रहे हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन? आजकल यही मसरूफियात है. आजकल तो माशाल्लाह सीजन भी चल रहा है, थोड़ा इवेंट्स का इवेंट्स में बिजी होते हैं. सेकेंड एक दो गाने लाइनअप है. अभी तो एक सुना मुझे तुम नज़र से, और एक हसन बादशाह ने म्यूज़िक किया मेरे गाने का, मुझे मेरे तुम्हारे दरमियाँ. उसका नाम हसन साहब भी वीडियो कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ. बस अल्लाह करे कि कर दे, वो टाइम नहीं दे रहे. हाँ, बस टाइम नहीं दे रहे, तो इंशाल्लाह वो पाइपलाइन में. वो नेक्स्ट बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पास वक्त कम होता, टाइम कम देते हैं. एक्चुअली साथ नहीं दे रहे आप. अच्छा, आप बताइए कि आपकी क्या मसरूफियात हैं? मतलब बैंक मैनेजर भी हैं और साथ में आप सिंगर भी हैं, कुछ अजीब से हैं आप. सिंगर भी हैं थोड़े से. बस आपको पता है कि जो हमारा काम है ये आज है कल परसों. एग्जैक्टली, तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो मास्टर्स किया हुआ, और फिर मैंने सोचा कि यार टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान कहीं एक जगह पे लगा रहे, तो एक जो है वो लगी बंदी जो है वो आती रहती है इंसान की. यहाँ पे मैं एक ज़रूर इंपॉर्टेंट बात कहूँगी व्यूअर्स, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी को मीडिया में आने का शौक़ है, स्पेशली यंग लोग, ज़रूर आएँ मीडिया की तरफ. बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत मार्जिन है यहाँ पर ग्रो करने की, लेकिन अपनी तालीम को प्लीज़ मुकम्मल किया करें. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. देखें, पढ़े लिखे इंसान को और कुछ नहीं तो 30-40 हज़ार रुपए की कोई नौकरी तो मिल जाती है. यू नो, अगर और कुछ ना हो तो एक रोजी रोटी का सिलसिला चला रहता है, वरना क्या करे इंसान. कुछ भी नहीं, आपके सामने जो हालात चल रहे हैं अभी कोविड से रिलेवेंट, और फिर डेंगू आ गया, यानी कि ये जो हम लोग प्रॉपर तरीके से गिरे हुए हैं इन जो है मसलों में. लेकिन आप देखें ना कि अब हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मंथ के एंड पे एक लमसम अमाउंट जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जानी है, और जो घर का किचन है वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा. सही. तो इस वजह से जो आने वाले आजकल के लोग हैं वो कहते हैं कि यार मीडिया में एक रात में इंसान स्टार बन जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार. आप मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक सॉन्ग आपका हिट हुआ उसके बाद फिर आपको किसी ने पूछा ही नहीं. वन हिट वंडर्स तो बहुत हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी के साथ चलें. आपका भी एक नया सॉन्ग है वो हम आई थिंक ब्रेक के बाद. जी प्लीज, अभी रिसेंटली जो है वो रिलीज आउट हुआ है ढोला मुल्तानी, बड़ा सुना है क्योंकि ताल्लुक मेरा मुल्तान से, और मुल्तान के लिए मैंने स्पेशल वो गाना किया, और इस टाइम माशाल्लाह बहुत वायरल आप सबके लिए. नाली बदलेंगे.
से चुप ना रहो, इनकार तुम ना करो, ऐसे ही चुप ना रहो, प्यार बिना क्या जीना जहां में, ये बात मुझसे तुम भी कहो, इनकार वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ऐसे रोमांटिक रोमांटिक गाने लगा देते हैं बैकग्राउंड में, इंसान को समझ नहीं आती कि क्या एक्सप्रेशन बनाए, शक्ल के कैसे जावी होने चाहिए। चलें, और तो कुछ हमें समझ नहीं आ रही, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि हम क्या करें। वैसे डॉक्टर साहब, आप किसके बारे में सोच रहे थे? हर रोमांटिक गाने में डॉक्टर साहब की एक्सप्रेशन थी और आंखें कुछ ऐसे ना कि जैसे कुछ कवर हो गई थी, कि मतलब कुछ सोच रहे थे। किसके बारे में सोच रहे थे डॉक्टर साहब, ऑन एयर बताएं। नहीं, इंसान कभी कभी ब्लैंक भी तो हो सकता है। इतनी रोमांटिक एक्सप्रेशन ब्लैंकनेस में, गाने के साथ इन्वॉल्वमेंट भी तो हो सकती है। वो ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे आप। नहीं, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही। लेकिन हम डेंगू और कोविड से कम किस तरह जो है इन्वॉल्व हो, नंबर दाजमा हो, एंड में क्या कहेंगे आप? अच्छा, क्विकली दो टिप्स दे देता हूँ आपको कि घरों से मच्छरों को कैसे भगाया जा सकता है, क्योंकि कॉइल वगैरह जो होते हैं ना, उसके धुएं से अमूमन लोगों को अहमद नवाज को ले आए, इंसान भाग जाएंगे तो मच्छर क्या चीज़ है।
अच्छा वो इस पे भी खुश हैं, घर में छुपे कीड़े भी निकले, कहते हम पे हमारी बात तो हुई, मैंने कहा घर में छुपे कीड़े भी निकले, हाय अल्लाह। अच्छा जी, अच्छा तो मसाले हर घर में होते हैं, उसमें बे लीव होता है, तेज पत्ता जिसको कहते हैं, ये दो तीन तेज पत्ते लेके और उसको जो थोड़े से अंगारे सुलगाए उसके ऊपर जला दें, 5 मिनट के लिए घर को बंद कर दें, इसे एक कमरे में बैठ जाएं और उसके बाद सारे दरवाजे खोल दें, तो उसकी स्मेल से उसकी खुशबू से सारे मच्छर जो उनसे हैं वो भाग जाएं। गूगल के को भी कहते हैं जलाएं, गूगल हरमल, ये तो बेहतरीन चीज़ है, ये तो बहुत जबरदस्त करना चाहिए घर में, हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा ठीक है, उससे तो आपकी सारी आबो हवा साफ हो जाती है, बल्कि ये तो अहदीस में भी है कि इसके घरों में धुनी देनी चाहिए। ठीक है ठीक है, तो हमारे घर ये प्रैक्टिस है कि हर जुमेरात को हम इसकी धुनी देते थे। हाँ, तो ये अच्छा फायदा उसका तरीका क्या है बता देंगे, क्योंकि उस दिन हमने जब घर में किया कुछ 2-3 महीने पहले तो मतलब सा नहीं आ रहा था। तरीका क्या है? तरीका ये है कि अब तो वो आ जाते हैं फ्यूम्स के लिए जो उनसे हमारे पास सऊदी अरब वगैरह से आते हैं, जिसमें आप डाल दें थोड़ा सा तो वो आर्टिफिशियल कोल होता है उस पर वो जल जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कोयलों को हल्का सा सुलगा लें तवे के ऊपर और उस पर थोड़ा सा हरमल, लोबान और गूगल, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख लें, उसके ऊपर डाल के सारे कमरों में आप घुमा दें, वो तवा धुआँ दे दें और हल्का हल्का, ये नहीं कि इतना धुआं के साथ ही रुक जाए। अच्छा, और ये बताएं कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, देखिए मार्केट में जो मिलता है वो उसकी स्मेल के भी इशू हैं, उसके और भी बहुत से प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा गाइड कर दें। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट जो उनसे बन सकता है उसके लिए दो चीज़ों की बेस हो सकती है, एलोवेरा जेल की या फिर आपका फ्रेग्रेंस फ्री लोशन होना चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो उसमें 3 एसेंशियल ऑयल डाले जाते हैं, एक होता है सिट्रोनेला, दूसरा यूकेलिप्टस और तीसरा लेमन। ये 3 एसेंशियल ऑयल आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं, ये घर में ला के रखें। 100 ml अगर लोशन या एलोवेरा जेल है तो उसमें आपने 20 ड्रॉप्स तीनों एसेंशियल ऑयल्स के डालने हैं, सिट्रोनेला, यूकेलिप्टस और लेमन। लेमन या लेमन ग्रास? लेमन ग्रास भी हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, वेरिएशंस और भी हो सकती हैं, मिंट भी हो सकता है, जो मैंने आपको भेजा था उसमें मिंट था, बिल्कुल ठीक है, तो वेरिएशंस हो सकती हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो मिंट है। तो ये वो एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपकी स्किन फ्रेंडली भी हैं और मॉस्किटोज जो उनसे इसके वजह से आपके करीब नहीं आते। यानी कि अगर आपके बच्चों का फॉर एग्जांपल बेबी लोशन है तो क्या उस लोशन के अंदर भी ये डाल सकते हैं कंबाइन करके? बेबी लोशन अगर फ्रेग्रेंस फ्री है, अगर असल में मॉस्किटो जो उनसे खास फ्रेग्रेंस है जिससे अट्रैक्ट होता है, जो हमारे पसीने की भी होती है, कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जिस पे मॉस्किटो अट्रैक्ट होता है और आके फिर बाइट करता है, ठीक है, उसको हमारे जिस्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उस खुशबू से अट्रैक्ट होता है। तो ये जो रिपेलेंट्स होते हैं ये उसी खुशबू को जो हमारे जिस्म से निकल रही है, जो हमें महसूस नहीं हो रही होती, उसके लिए अट्रैक्टिव होती है, तो उसको ये कैमोफ्लाज कर दे। ठीक है, सो बेसिकली लेमन या लेमन ग्रास, उसके साथ सिट्रोनेला और यूकेलिप्टस, जो वो एक विक्स की नहीं स्मेल आती, वो बेसिकली दैट्स व्हाट यू कॉल, थोड़ी सी वो उस टाइप का, तो इसको जब आप कंबाइन करके मिक्स कर लेंगे किसी भी एलोवेरा जेल के अंदर या कोई फ्रेग्रेंस फ्री लोशन, नेचुरल हर्बल हो तो बेस्ट है, उसके अंदर कंबाइन करके लगा लें तो ये सेफ हो जाता है। हाँ, तकरीबन 4 से 6 घंटे की तो प्रोटेक्शन दे देता है, और मतलब वैसे भी हर 4 से 6 घंटे के बाद रीअप्लाई कर लेना चाहिए, और रात को बच्चों को सुलाने से पहले एक नेट ऊपर दे दें, इस किस्म की चीज़ों का अगर ख्याल करें तो बहुत, ये बहुत ज़रूरी है। हमें याद है कि बचपन में वो मच्छरदानियाँ, नेट जिसको आप, तो वो हम जब मच्छरों का सीज़न आता था तो लगा लिया करते थे, पहले तो सिर्फ मलेरिया होता था, अब डेंगू भी आ गया, तो वो ये एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फैसल भाई के साथ तो वैसे ही एक सोबर एटमॉस्फेयर हो जाता है कुछ ऐसे लोगों के साथ। आप कुछ सुनाने लगे हैं अब हमें? जी बिल्कुल, एक खूबसूरत गाना, न्यू गाना, फ्रेश जी, आप सबको डेडिकेट करता हूँ और खास तौर पे A+ देखने वालों को सबको मैं डेडिकेट करता हूं। ओवर टू यू एंड गाइस हैव अ लवली वीकेंड, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, करदानी बेवफाई तयो तमें अख लाई, करदानी बेवफाई तयो तमें अख लाई, ए दे
ਸਭੀ ਨਾਲੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਮੁਖੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਮੁਖੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਨੱਖਾ ਠੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਨੱਖਾ ਠੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖੰਡ ਦਾ ਖਡੋਣਾ ਏ ਟੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ